और पहली बार ये हुआ है कि बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आए, जो कि नहीं आते आमतौर पे, या तो 720 आते या 716 या 715। 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स को आते हैं, तो पहला सवाल तो ये उठता है क्या पेपर का लेवल ठीक है। इवन कट ऑफ मार्क्स एक जमाने में हमने देखा है 500 के आसपास होता था, आज 620 प्रिडिक्ट कर रहे थे लोग, लास्ट ईयर 610 रहा और अब 650 तक भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। 14 जून को एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, फिर भी 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की आड़ में अपनी गलतियों को और गफलतों को छुपाने का साफ सुथरा तरीका था। इन्होंने कहा है कि कई जगह सेंटर्स पे हमने पेपर पहले दे दिया या टाइम से नहीं दिया या दूसरे मीडियम का पेपर दिया, फिर बच्चों से पेपर हमने वापस ले लिया। तो क्या एक सेंटर पे इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे आ गए? तो आप कहेंगे हो भी सकता है। पटना पुलिस ने कार्रवाई की थी बाकायदा, और इसके अलावा रिटेन किया गया बहुत सारे लोगों को, फॉरेंसिक जांच तक करवाई गई जलाए गए पेपर्स की, और ये साबित हुआ कि पेपर लीक हुआ था। 720 मार्क्स लाने के बाद भी बच्चा जो है वो एम्स दिल्ली में नहीं जा पा रहा, तो इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम के साथ जो है ना वो मिसमैनेजमेंट नहीं किया है, उस बच्चे के अरमान तोड़े जो बचपन से उन्होंने देखे थे, उसने देखे थे कि एम्स दिल्ली जाऊंगा। 2019 में एनटीए ने सबसे पहली बार एग्जाम करवाया, तब से लेके अब तक हर बार किसी न किसी तरीके का कोई इशू आता ही आता है। चुनाव के समय में ये मुद्दा उठा, विपक्ष ने भी वो मुद्दा लपका, एनटीए जो एग्जाम करवा रहा है नीट एग्जाम पेपर लीक हो गया और दोबारा एग्जाम करवाया जाना चाहिए, तो इन कंडक्टिंग एजेंसी ने अल्टीमेटली चुनाव के समय इसको मैनेज किया। 600 से ऊपर कुछ मार्क्स आ जाएंगे तो एमबीबीएस में एंट्री हो जाएगी। अब जब 650 वो सुनते हैं तो वो बिल्कुल हथियार डाल चुके हैं। कई तो ये कहते हैं कि सर तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे सीकर संदेश। शिक्षा नगरी सीकर पहली बार नीट में 720 नंबर आने की खुशी मना रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा सामने आया कि अब समझ नहीं आ रहा कि 720 नंबर आने की खुशी मनाएं या नीट के परीक्षा करने और परिणाम देने के ऊपर सवाल उठाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 की, जब करीब 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 स्कोर मिला है और इसकी खुशी हर कोई मना रहा है। लेकिन इसके बाद ट्विटर पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे ये सब सवालों के घेरे में आ गया जैसा सा लगता है। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था और क्या ये परिणाम सवालों के घेरे से बाहर आ सकेंगे। इस सब पे बात करेंगे हम MM बल्डोदिया सर से। आप नीट की फैकल्टी हैं, बॉटनी पढ़ाते हैं और साथ ही आप नीट में बच्चों की काउंसलिंग के लिए काफ़ी सारा कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बार 720 आए शिक्षा नगरी से और इतने सारे बच्चों के ओवरऑल 720 मार्क्स आए हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा, इस पर सवाल उठ रहे हैं, ये क्या कारण हुआ इसका? जितना 720 मार्क्स को लेके उत्साह और एंथुसियाज्म होना चाहिए था उतना है तो सही, लेकिन निचले पायदान के जो बच्चे हैं, जो कट ऑफ के आसपास जो बच्चे एग्रीगेट हो रहे हैं, उनको लेके उतनी ही निराशा हर एक स्टूडेंट में है, हर एक टीचर में है, हर एक पेरेंट में है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जो चलाने वाले लोग हैं, जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं, उनमें भी है। इसका एक बड़ा कारण ये है, ये फील्ड अपने आप में एक ग्लैमर रखता है, ये फील्ड अपने आप में ब्यूटी रखता है। हम उस बच्चे को तैयार करते हैं जो आगे जाके ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करेगा, जो आगे जाके डॉक्टर बनेगा, पेशेंट्स की केयर करेगा, तो अपने आप में एक बहुत संजीदा सिटीजन हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इतनी गफलतों के साथ वो तैयार किया जाए या इतनी गफलतें उसको तैयार करने में सामने आए, जो कंडक्टिंग एजेंसी है उस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगे, तो अपने आप में सोचने वाला और विचारणीय है। नीट के एग्जाम के बाद हमें ये पता चला जैसे ही रिजल्ट आया कि आम तो ये रिजल्ट 14 जून को आना था जी। लेकिन 10 दिन पहले ये रिजल्ट निकाल दिया गया, 4 जून को रिजल्ट आ गया और उसी में हमने देखा कि एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे आठ बच्चे हैं जो मतलब टॉप रैंक्स उनके आए हैं। बिल्कुल, और पहली बार ये हुआ है कि बच्चों के 718 और 719 मार्क्स भी आए, जो कि नहीं आते आमतौर पर, या तो 720 आते या 716 या 715, और ये एक ही सेंटर पे ऐसा हुआ है। और उसके साथ ही ये भी है कि सबका टॉप रैंक जो है ऐसे तो फर्स्ट दिखाया गया है, जबकि उनका काउंसलिंग के कैंडिडेट्स हैं, हाँ, जबकि काउंसलिंग रैंक डिफरेंट है, काउंसलिंग रैंक डिफरेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक एक चीज को मैं दिनेश जी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स के आए। अच्छा, रैंक को डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है, सबसे पहला उसमें ये लिया जाता है कि आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, डेट ऑफ बर्थ सॉरी कितना है, फिर फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स क्या हैं, बायोलॉजी के मार्क्स क्या हैं, नेगेटिव आपने कितने किए हैं, एक एक ये प्रॉपर मेथड होता है। इसके अलावा पहले भी ऐसा होता रहा है कि दो बच्चों के अगर सेम मार्क्स आए तो उनमें ये देखा गया कि पहले फॉर्म किसने अप्लाई किया था उसको पहले टॉपर डिक्लेयर कर दिया गया। ये बेसिक एक स्ट्रेटजी है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या है
720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स को आते हैं, तो पहला सवाल तो ये उठता है क्या पेपर का लेवल ठीक है। एक नेशनल लेवल के एग्जाम में 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आते हैं, जबकि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले लोग जो माइनर पेपर करवाते हैं जो सिर्फ एक टॉपिक का होता है, हजारों बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उसमें भी संभव नहीं होता कि 2-4-5 बच्चे को 720 आ जाए। ये पूरे सिलेबस का एग्जाम है, पहली बात। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि आज से पहले 2024 से पहले ओवरऑल इंडिया में कितने बच्चों के 720 आते थे? 720 मार्क्स अगर देखा जाए इससे पहले सारा मिला के ही जो है वो 4-5 बार आए, 4-5 ओनली। अच्छा, मतलब आज तक मतलब 4-5 ही बार ये एग्जैक्टली ये एक तरीके से ये टूटा, मतलब ये तिलिस्म टूटा, वो लास्ट टाइम ही टूटा। उससे ठीक पहले जो है वो टॉपर रहा ही नहीं करते थे ऐसे। इवन कट ऑफ मार्क्स एक जमाने में हमने देखा है 500 के आसपास होता था, आज 620 प्रिडिक्ट कर रहे थे लोग, लास्ट ईयर 610 रहा और अब 650 तक भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। अच्छा, जैसी स्थिति है भारत में जो मेडिकल की सीट्स हैं वो 1,09,000 के आसपास हैं, जिनमें 55,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, उनमें 5,000 सीट्स जो है उनके बढ़ने की संभावना है। तो एक ओवरऑल प्रेडिक्शन अगर मैं ले लूं कि इस साल 60,000 सीट्स पे गवर्नमेंट MBBS के लिए काउंसलिंग होगी, तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 25,000 तक क्लियर होने की संभावना है। अब आप देखेंगे कि ये 25,000 रैंक जो है वो आ रही है 650-55 नंबर के बच्चे को, जिसके 655 मार्क्स हैं, तो उसके नीचे वाले को कॉलेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, आप जो सेंटर की बात कर रहे थे कि एक ही सेंटर पे इतने सारे सीनियर नंबर के साथ जो बच्चे आ गए हैं और उनके मार्क्स आ गए हैं, तो उसका एक बेसिक रीजन है। NTA ने कुछ एक्सप्लेनेशन भी अपनी दी है। सबसे पहले तो साफ सुथरी बात मैं आपके पहले सवाल पे कहूंगा कि 14 जून को एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, फिर भी 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की आड़ में अपनी गलतियों को और गफलतों को छुपाने का साफ सुथरा तरीका था, लोगों का ध्यान कम जाए, ध्यान बट जाए। जिस टाइम देश पूरा टीवी पे नजर गड़ाए हुए था, उसी टाइम NTA ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। 25 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे सीधे सीधे एग्जाम में बैठते हैं और उनसे जुड़े हुए इतने ही लोग और होंगे, तो सीधे सीधे 50 लाख 60 लाख लोग इंगेज हो जाए। बिल्कुल। दूसरी, आप कह रहे हैं 8 स्टूडेंट जो सेम सेंटर से है उसका कारण क्या है? मार्क्स बढ़ने का रीजन ये है, इन्होंने एक क्वेश्चन में आंसर की में बदलाव किया। अच्छा, बड़ी मजे की बात ये, पहली बार ऐसा हुआ आंसर की में बदलाव हुआ है 3 जून को। 3 जून को आंसर की में बदलाव हुआ, वो ए सेक्शन का क्वेश्चन था, दो सेक्शन होते हैं ए और बी, सारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलता है अगर वो बोनस होता है। यहां आंसर की में चेंज किया गया, एक क्वेश्चन के 2 आंसर रखे गए, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले करेक्ट किया था, मान लीजिए 2 आंसर था करेक्ट था, उनको तो फायदा पहले भी मिल रहा था, 3 भी करेक्ट कर दिया गया तो 2 और 3 दोनों को बेनिफिट मिल गया। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लो पहले 10 लाख बच्चों का वो सवाल सही हो रहा था 24 लाख में से, तो बाद में ये संभावना है कि वो करीब 15 लाख बच्चों का सही हो रहा होगा। 5 लाख बच्चों की OMR सीट का जो लॉगरिथम है वो इनको चेंज करने में टाइम भी लगा होगा, लेकिन उन्होंने फटाक से अगले ही दिन जो है उसको चेंज करके सब रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये सवालों के घेरे में एक बात ये भी है। फिर जो सेंटर पे 8 बच्चों के रिजल्ट आने की बात है उस पर अपन आते हैं। इन्होंने कहा है कि कई जगह सेंटर्स पे हमने पेपर पहले दे दिया या टाइम से नहीं दिया या दूसरे मीडियम का पेपर दिया, फिर बच्चों से पेपर हमने वापस ले लिया, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अच्छा, NTA कितने ग्रेस मार्क्स दे रहा है, किस बच्चे को कितने दिए हैं, कहाँ, कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो वहाँ एक संभावना ये होती है कि एक सेंटर में जो सीक्वेंस में बच्चे हैं, सीरियल नंबर उसमें 62-69 है, आप देख लीजिएगा, उसमें 500 जो रोल नंबर है, मतलब रोल नंबर का जो रेंज 500 है, उसके बीच में 8 बच्चे हैं, तो क्या एक सेंटर पे इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे आ गए? तो आप कहेंगे हो भी सकता है। खैर, बच्चों के पोटेंशियल पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी सेंटर पे ये संभावना बनती है कि 2-3-4 बच्चे 700 मार्क्स के भी हों, 720 के भी हों, तो ये संभावना बन रही है कि 700 मार्क्स वाला वहाँ बैठा था, 705 वाला बैठा था, इन्होंने पता नहीं कितने ग्रेस मार्क्स दिए जिससे वो सारे 720 में शिफ्ट हो गए। तो ज़्यादा नंबर आने का, ये बहुत बड़ा जो नंबर आ रहा है, मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रैंक ऊपर शिफ्ट हो गई, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है पेपर लीक। आपको पता है तो पहले जब पेपर हुआ था पटना पुलिस ने कार्रवाई की थी बाकायदा, और इसके अलावा रिटेन किया गया बहुत सारे लोगों को, फॉरेंसिक जांच तक करवाई गई जलाए गए पेपर्स की, और ये साबित हुआ कि पेपर लीक हुआ था। 5 मई को एग्जाम हुआ इंडिया में, 4 मई को पेपर जो था वो बाकायदा बाहर आया, उसको सॉल्व करवाया गया, और 20-25 कैंडिडेट सीधे तौर पर प्रभावित थे जिनको पकड़ा गया। अब उन लोगों ने कहाँ तक पेपर पहुँचाया ये जाँच का विषय है, और जाँच हो भी चुकी, इस पर मामला कोर्ट में ये लंबित है। तो पहली काम की बात तो ये है कि पेपर लीक हुआ, दूसरी काम की बात है कि एक क्वेश्चन में मार्क्स जो है वो बढ़े, जिस क्योंकि आंसर की में 2 आंसर कंफर्म कर दिए गए, और तीसरी बड़ी बात है कि पूरे भारत में 2 पेपर हुए थे। अच्छा, 2 पेपर करवाने का कोई रिवाज नहीं है, कोई चलन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है कि 2 पेपर एट ए टाइम सेम डे एग्जाम हो, सेम टाइप एग्जाम हो तो 2 पेपर करवाए जाए। ये इनकी गलतियों और गफलतों की वजह से 2 पेपर बिल्कुल उसके परिणाम पे तो पूरी तरीके से फर्क पड़ जाएगा। फिर इन्होंने परसेंटाइल फॉर्मूला शायद निकाला होगा, उन दोनों पेपर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब उन दोनों को कंपनसेट करने के लिए
एक तरीके से इन्होंने जो मेथड लगाया उसके हिसाब से ये मार्क्स बढ़ गए। तो मार्क्स बढ़ने का ये बेसिक रीजन है। पांच बड़ी गफलतें बहुत साफ है। पहली बात, पेपर लीक हुआ था। दूसरी बात, 720 आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स को जो आए हैं उनमें कुछ एक को ग्रेस मार्क्स की वजह से भी आए हैं। तीसरी काम की बात, एक ही सेंटर पे बहुत सारे बच्चों को मार्क्स ही आए हैं। चौथी काम की बात जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, एक बच्चा जब समझदार होता है हमारे घर परिवार में, सोसाइटी में, परिवेश में आप देखते हैं, तो वो ये सीखता है, ये समझता है कि मुझे अच्छा करना है, कुछ बचपन से एक सपना पालता है। इन्होंने 720 मार्क्स लाने के बाद भी बच्चा जो है वो एम्स दिल्ली में नहीं जा पा रहा, तो इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम के साथ जो है ना वो मिसमैनेजमेंट नहीं किया है, उस बच्चे के अरमान तोड़े जो बचपन से उन्होंने देखे थे, उसने देखे थे कि एम्स दिल्ली जाऊंगा। बिल्कुल दिनेश सर, हकीकत ये है कि 720 मार्क्स जो परफेक्ट स्कोर है, से ऊपर तो जा नहीं सकता, वो लाने के बावजूद भी स्टूडेंट एम्स दिल्ली में नहीं जा पा रहा। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट एम्स दिल्ली में नहीं जा पा रहा। 137 सीट्स वहां है जिसमें कुछ 7 NRI सीट्स हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर सीट्स देखी जाए अनरिजर्व, तो 48 सीट्स हैं। अब आप देखिए 67 बच्चों को 720 है, कहां जाएंगे ये सब? OBC का बच्चा है, EWS का बच्चा है, तो वो वहां नहीं जा पा रहा। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं इस एग्जाम को लेके। तो मैं ये मानता हूं कि NTA जो इतनी बड़ी एग्जाम एजेंसी है उसका क्रेडिबल होना और क्रेडिबल दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों पे भरोसा बना रहे, लोगों को ये लगे कि ठीक है NTA अगर करा रही है तो वो सही करा रही है। और उसमें आप पांच ऐसी गलतियां बता रहे हैं या कमियां बता रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरे रिजल्ट पे असर पड़ा होगा। हम लोग तो इस फील्ड से जुड़े हैं, बाकी आम आदमी बैठ के आराम से समझ सकता है इस बात को कि ये पांच बड़ी दिक्कतें हुई हैं और बहुत साफ हैं। देश का बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम ये था जो पहले से बहुत सही होता आ रहा था। 2019 में NTA ने सबसे पहली बार एग्जाम करवाया, तब से लेके अब तक हर बार किसी न किसी तरीके का कोई इशू आता ही आता है। अच्छा, बहुत मोटा पैसा NTA इस एग्जाम से कमाता है। एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो इनवाइट किए जाते हैं उनकी अच्छी भली फीस ली जाती है। उसके ठीक बाद जो है वो बच्चों का ये जो OMR सीट है उसका रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स दिखाया जाता है, उस पर ऑब्जेक्शन के 200 रुपये पर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। आंसर की का ऑब्जेक्शन होता है 200 रुपये पर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। 2019 से लेकर 21 का एक डेटा है और बाकायदा RTI ये एविडेंस है, और इस एविडेंस में क्लियर किया गया कि NTA ने ऑब्जेक्शन से 300 करोड़ कमाए थे। आउटसोर्सिंग करता है, खुद के पास कर्मचारी है नहीं, बहुत बड़ा पैसा तो है लेकिन शायद इच्छा शक्ति नहीं है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो टेस्टिंग एजेंसी है, जैसे जो मेडिकल का एग्जाम करवाती है, तो ये मेडिकल का एग्जाम करवाने वाली टेस्टिंग एजेंसी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और इसके अलावा हमारा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो पहले HR हुआ करता था, आजकल शिक्षा मंत्रालय हो गया, उनके अंडर डायरेक्शन ये काम करती है। तो उन दोनों की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब सीधे तौर पर ये भारत सरकार की नाकामी एक इसे कह सकते हैं कि अगर लोगों का वो भरोसा उस पर नहीं बना पा रही है। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब 718 और 719 नंबर आए तो इस पे ट्वीट करके NTA ने ये जानकारी दी कि इसे नॉर्मलाइज किया गया है और ग्रेस मार्क्स दिए हैं इसलिए। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एक ही सेंटर पे जब इतने सारे बच्चे हैं और दो बच्चों के 718 और 719 नंबर दिख रहे हैं। अच्छा, आपने जो बात उठाई कि 718 और 719 फॉर्मेट होता है, 720 नंबर का एग्जाम होता है, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए था 716। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और एक क्वेश्चन मान लो आपका गलत हो गया तो 4 नंबर तो क्वेश्चन के गए, एक आपका नेगेटिव मार्क गया, इसका मतलब 5 चले गए, तो 715 होना चाहिए। 16 संभव थे, 15 संभव थे, 18 और 19 किसी भी तरीके से संभव नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे चुके हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अच्छा, इस ग्रेस मार्क्स में कितनी गफलत है ये अलग बात है। हाँ, कैसे दिए, कितने दिए, कौन से बच्चों को दिए, कौन से सेंटर पे दिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी पुलिस की कार्यवाही होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें सामने आने के बावजूद, पहले एक सीधा तरीका यह था, इतना बड़ा एग्जाम देश में होता है, खैर पूरे एग्जाम को प्रभावित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बहुत सीधा तरीका था, जो सेंटर्स प्रभावित थे उन पे री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए था। लेकिन इसका सिर्फ एक कारण रहा, चुनाव के समय में यह मुद्दा उठा, विपक्ष ने भी वो मुद्दा लपका, NTA जो एग्जाम करवा रहा है, नीट एग्जाम पेपर लीक हो गया और दोबारा एग्जाम करवाया जाना चाहिए, तो इन कंडक्टिंग एजेंसी ने अल्टीमेटली चुनाव के समय इसको मैनेज किया, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। और बहुत साफ सुथरा पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के कारण उन सेंटर्स पे एग्जाम दोबारा नहीं हुआ। और NTA ने बड़ी बेशर्मी से एक नोटिफिकेशन तब भी जारी किया था और बाकायदे ये कहा था कि सोशल मीडिया में जो रूमर्स हैं, जो जितनी सारी बातें आ रही हैं, जितनी सारी चीजें आ रही हैं, वो कुछ भी नहीं है, पोस्ट एग्जाम कंडक्ट जो जितनी सारी चीजें हो रही हैं सब फालतू हैं। एक सवाई माधोपुर राजस्थान का सेंटर था, उस पे पेपर हमने दोबारा करवा लिया, उसी दिन शाम को दोबारा करवा लिया और कि हम जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये उस बच्चे की मानसिक स्थिति नहीं समझते जो पूरे साल तैयारी करता है, उसके पेरेंट्स की स्थिति नहीं समझते, जो टीचर्स वहाँ इन्वॉल्व हैं उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा नहीं है।
दिनेश सर, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, कभी फील्ड में आप घूम के देखिएगा, जिनके पेरेंट्स के पास व्यवस्था नहीं है, उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, दो ड्रॉप तीन ड्रॉप किसी बच्चे ने ले लिए, जो जितना था अपना लगा चुका सब, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ख़राब है। आज 640 मार्क्स जब लिए बैठा था वो, तो इंश्योर था कि चलो मेहनत सफल हुई, कॉलेज मिल जाएगा, MBBS कर लेगा, जिंदगी संवर जाएगी, डॉक्टर बन जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम नहीं था वो उस पूरे परिवार के अरमान थे, जो इस तरीके की NTA की एक्टिविटीज़ के कारण धुआं हो गए। अच्छा, जैसे स्कूल एग्जामिनेशन में भी हम देखते हैं कि 100 out of 100 आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आज के समय एग्जाम रिजल्ट का वो इम्पोर्टेंस नहीं रहा कि जो एक टाइम पे 90% या 85% भी किसी के आ जाते थे तो जो वैल्यू होती थी। क्या आने वाले समय में NTA की तरफ से जो ये 67 स्टूडेंट्स के आए हैं और जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स और ये सारी चीज़ें जो सवालों के घेरे में आई, उससे आने वाले समय में जो बच्चे नीट में आना चाहेंगे या उनके पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहेंगे, उन लोगों के ऊपर और तरीके से भी असर डालेगा? निश्चित तौर पर ना, आज ही सवाल कर रहे हैं, कल शाम को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, क्लासरूम से निकलने के बाद बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर तैयारी करें ही नहीं, क्या मतलब है। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका अपना हौसला सिर्फ इतना सा है, इतना सा उनमें कॉन्फिडेंस है, और शायद हो सकता है पोटेंशियल भी थोड़ा कम है, जो ये सोचते हैं कि 600 से ऊपर कुछ मार्क्स आ जाएंगे तो MBBS में एंट्री हो जाएगी। अब जब 650 वो सुनते हैं तो वो बिल्कुल हथियार डाल चुके हैं। कई तो ये कहते हैं कि सर तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कईयों ने ये सोच के बैठे हुए हैं, कईयों ने ये सोच रखा है कि 650 मार्क्स तो हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे, ऐसी स्थितियाँ भी हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो है उसमें डिक्लाइन आएगा। जहाँ तक स्कूल सिस्टम की आप बात कर रहे थे, कॉलेज एजुकेशन की बात कर रहे थे, हायर एजुकेशन ले लो, मेडिकल एजुकेशन ले लो, सब में ये जो 100% का चलन बढ़ा है ना, नो डाउट आज का स्टूडेंट स्मार्ट हुआ है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप आज से 20 साल पहले के 60% में, बहुत जिम्मेदारी से ये बात भी कर रहा हूँ, 60% के स्टूडेंट या कैंडिडेट के सामने उस 100% वाले को खड़ा करो तो वो कंपेटेबल नहीं है। उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना जितने सारे, इन 100% वालों को, मुझे लगता है वो सारे 60 और 70% वाले लोग ही हैं, तो ज़्यादा कॉम्पिटेबल है नहीं। 100% मार्क्स आने के बाद भी आप इंश्योर नहीं कर पाते कि आपका फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादा ज़रूरी बात है इन पेपर्स के लेवल को ठीक किया जाए। लेवल अगर ठीक रहेगा तो मेहनत करने वाले बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जो कंडक्टिंग एजेंसीज हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी सेंसिटिविटी समझें कि जो बच्चा आपके यहाँ भरोसे के साथ एग्ज़ाम देने आता है उसको उतने ही भरोसे के साथ जो है वो एग्जाम के लिए प्रोसीड किया जाए, एक सही तरीके से उसका रिजल्ट निकाला जाए और प्रॉपर काउंसलिंग उसकी करके उसको कॉलेज में एंट्री दे दी जाए। अब जो ये सारी सिचुएशन है, इसको NTA क्या किसी तरीके से ठीक कर सकता है, या क्या कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे उसका थोड़ा भरोसा बना रहे, या फिर स्टूडेंट्स के साथ 720 के नाम पे जो छलावा हुआ है वो उसको ठीक किया जा सके? डेफिनेटली इसके कई तरीके हैं। देखो, इंडिया में RTI एक सिस्टम है, RTI के थ्रू जो है वो आप RTI फाइल करके विद इन 14 days ये जवाब NTA से ले सकते हैं, कंडक्टिंग एजेंसी से, कि आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो क्यों दिए, कितने दिए, कैसे ये रिजल्ट प्रिपेयर हुआ, इतने सारे नंबर बच्चों को क्यों आ रहे हैं, सारे जवाब आपको देना NTA की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भारत का कानून ये है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिन बच्चों को इस रिजल्ट को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं वो RTI फाइल करें। NTA की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे कल रिजल्ट का नोटिफिकेशन आया, वहाँ भी एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ एक मेल दिया हुआ है, आप लगातार फ़ोन करें, मेल करें, जितना दबाव NTA पे बनाया जा सकता है उतनी ही जल्दी इसका समाधान होने की संभावना है। और फिर अंतिम रास्ता आपको पता है, जुडिशरी है जी। हालांकि जुडिशरी में जाने से मामला लंबित होगा, रिजल्ट अटकेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम फिर से रिवाइज करवाना पड़े, या जुडिशरी आदेश कर दे कि रिजल्ट रिवाइज करवाया जाए, तो बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में जाने में भी देरी होगी, सेशन में देरी होगी, सीखने में उसको टाइम लगेगा। अल्टीमेटली नुकसान एकेडमिक्स का है, नुकसान बच्चे का ही है, नुकसान सिस्टम की खामियां और सिस्टम की गफलतें जो हैं उनके बदौलत नुकसान बच्चे का ही होने वाला है। जैसे कोविड के दौरान हुआ था कि जिन बच्चों के 100% भी आ गए थे वो ज़्यादा खुशी नहीं मना पाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए उस को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो अब शिक्षा नगरी सीकर में हम बैठे हैं, जहाँ पे लाखों विद्यार्थी पूरे देश भर से आता है, पढ़ता है, अच्छे मार्क्स लाता है, डॉक्टर बनता है, तो क्या अब हमें इस 720 को जो पहली बार सीकर से आया है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना? डेफिनेटली 720 को सेलिब्रेट करना चाहिए, हर एक इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट कर भी रहा है, बच्चे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, पेरेंट को भी करना चाहिए, टीचर को भी करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्राइंगल है ना, स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, और इसके अलावा सोसाइटी को भी आप इन्वॉल्व कर लो, इन सबको एक विचार करने की जरूरत है। मतलब एक कम्युनिटी अप्रोच हमारी होनी चाहिए। हमारी बड़ी दुविधा पता है क्या है,
आज ये एनटीए ऐसा कर रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग ऐसा आए हैं और ये सोचते हैं क्या करें क्या कहें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है, मतलब भारतीय समाज का बेसिक कल्चर है, जब तक आपको तकलीफ होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तकलीफ होती है आपको फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन हम दोनों को मिला के तकलीफ होगी शायद उस दिन दोनों साथ निकल पड़ेंगे। परेशानी ये है, एनटीए इतनी बातें इतनी गफलतें बीच बीच में करता है, और कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी हो, सिस्टम हमारा कहीं भी कोई फॉल्ट करता हो, लोग उसके खिलाफ बोलते नहीं है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग शिक्षा में बहुत बार नैतिकता की बात नहीं करते हैं, जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जी, और इसका नतीजा सामने है। हमने राजस्थान में देखा था जब रीट का इतना बड़ा एग्जाम हुआ था और उसमें जब गड़बड़ियां हुई तो उसको लेकर लोग आज तक रोष दिखा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हुई कार्यवाही भी हुई। आप जैसे लोगों ने, मैंने देखा है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे कई सारे वीडियोज मैंने देखे हैं जिसमें कैंडिडेट्स के साथ जो दिक्कतें हुई, जो परेशानी हुई, जो एग्जाम की गफलत थी वो सामने आई, चीजें सामने आई। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं तो जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी सिस्टम को, और जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं, जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे, तब तक हमारी पीढ़ियां ही खराब होती रहेंगी। बिल्कुल, आज हो सकता है आपका बच्चा नीट में नहीं पढ़ रहा हो, मैं बहुत सालों से पढ़ाता हूँ, मेरा बच्चा नीट में नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो मेरे अपने ही बच्चे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये। आप एक मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो हम सब जब तक एक कम्युनिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक चीजें सुधरने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अंदर अंदर इन सब बातों से परेशान तो हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि बोला जाएगा तो शायद सिस्टम का कोई शिकंजा उन पर आ कसेगा जी। अब मैं इसे पॉलिटिसाइज करने के लिए नहीं, लेकिन एक चीज है कि जब रीट में ये हुआ था तो जो पार्टी आज के टाइम पे रूलिंग है वो अपोजिशन में थी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत हल्ला मचाया था। बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम पे वही पार्टी स्टेट और सेंटर दोनों जगह पे रूलिंग पार्टी है, उनके नाक के नीचे जब इतनी सारी गड़बड़ियां हुई है और वो खुद उसके जिम्मेदार है, तो ऐसे में क्या उन्हें इसके लिए प्रो एक्टिव होके एक्शन नहीं लेना चाहिए? डेफिनेटली उनको प्रो एक्टिव होके एक्शन ही नहीं लेना चाहिए था, आगे फ्रंट फुट पे आके ये कहना चाहिए था कि पहले हम विपक्ष में थे तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी तो हमने कर दिखाया, और अब सरकार में है तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, अब हम और कर दिखाएंगे, ये होना चाहिए था। जानकर आपको बहुत बड़ा ताजुब होगा, एनटीए अपनी पीठ खूब थपथपा रहा है। नोटिफिकेशन पढ़ो ना उसका, जो नोटिस आया है, प्रेस रिलीज आया, तो उसमें वो कह रहा है कि देखो एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए हमने ऐसा कर दिया, हमने देश के जो है वो 4500 से ज्यादा सेंटर्स पर एग्जाम कंडक्ट करवाया, जिसमें एब्रॉड के भी 14 सिटीज हैं, 571 शहरों में करवाया, 14 शहर ऐसे हैं जो देश के बाहर हैं, जैसे बैंकॉक में एग्जाम होता है, आबू धाबी में एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम कई जगह पे होता है। अपनी पीठ वो थपथपा रहा है कि हमने ही ऐसा कर दिया, लेकिन जिस दिन नीट का एग्जाम हो उस दिन आप कभी फील्ड में निकलिएगा, छोटी छोटी ऐसी जगहों पर सेंटर्स होते हैं जहाँ कितनी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ होता है, ये सोचकर देखकर और जानकर जो है ना वो आपके होश फाकता हो जाएंगे। इतनी छोटी छोटी जगहों पर सेंटर है। अब आप कहोगे सर बच्चे इतने सारे बैठते हैं तो सेंटर इलाज क्या है, जेई का एग्जाम साल में दो बार होता है, नीट के अटेम्प्ट भी दो हो सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। बिल्कुल, ऑफलाइन एग्जाम इतना बड़ा करवाने के बजाय ऑनलाइन करवाया जा सकता है, थोड़ा गफलतें कम होगी। इसके अलावा एक और अच्छा तरीका है कि आप इतने बड़े देश में, एक देश एक एग्जाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबरदस्ती का स्लोगन अगर हम पकड़ना चाहें तो हमारी मर्जी है, रीजन वाइज आप एग्जाम करवा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक बार करवा लिया, साउथ में एक बार करवा लिया, ईस्टर्न वेस्टर्न में एक बार करवा लिया, क्योंकि अभी भी तो दो पेपर करवा के आपने जो है ना उनको कंपनसेट किया, नॉर्मलाइजेशन किया है, तो चार पेपर करवा के भी आप नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। इलेक्शन सात चरणों में हो सकता है, तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो इस बार तो आपको देखने को ये मिलेगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनटीए के बीच कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज करता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, तो वो कहता है साहब हमने इतनी जगहों पे इतने सारे जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पे ये करवा दिया, इतने टास्क फोर्स थी, इतने लोग थे, इतने पोलिंग ऑफिसर्स थे, इतने करोड़ जो है वो वोटर्स आए। उसी तरीके से एनटीए भी बाकायदा ये लिखता है हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, और इस बार तो वो दावा कर रहा है कि एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए हमने रिजल्ट 14 जून के बजाय 4 जून को जो है वो रिलीज कर दिया। इसमें अच्छा, क्या मैं नया सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा टेक्नोलॉजी के पास भी हैं, एआई टूल कितना घातक होने वाला है? पहला नमूना आपके सामने। बिल्कुल, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एआई टूल का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या एनटीए को ये नहीं बताना चाहिए था कि एआई टूल का इस्तेमाल हमने किस तरीके से किया? हाँ, exactly. और जब ओएमआर सीट से होता है तो सीकर के भी इंस्टीट्यूट्स इतने बड़े बड़े हैं और जहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो ओएमआर से अपना हर दिन टेस्ट कराते हैं, हर दिन रिजल्ट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एवरी वीक जो है ना वो हम स्कैन करके रिजल्ट बकायदा उनका विद इन टाइम प्रोवाइड करवाते हैं जब होता है। तो एनटीए अगर वो कर रहा था तो उसमें क्या बड़ी बात थी? तो एआई ने ऐसा क्या किया कि इतने टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उनके रिजल्ट को 10 दिन पहले दे पाया, ऐसा क्या हुआ? ये मेरे ख्याल से बताना चाहिए था। देखो, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस बात में लग रही है, मैंने इस अपनी चर्चा के शुरू में ही आपको कहा कि 3 जून को आंसर की रिवाइज की जाती है और 4 जून को विद इन 24 आवर्स जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख बच्चों का रिजल्ट आपके पास पहले से तैयार था,
उनके आंसर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हो सकता है 5 लाख बच्चों का रिजल्ट बदला होगा, और अगर 10 लाख का नहीं भी बदला तो भी आपको ओमार स्कैनिंग के लिए तो एक नया पैटर्न पुट करना पड़ा होगा ना मशीन में, क्योंकि आंसर चेंज हो गया, तो वो इतना जल्दी कैसे संभव है? और अगर मान लो आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, संभव है, तो भी आपको 4 जून को जब देश लोकसभा चुनाव के परिणाम को जानने में बिजी था, तो आपको क्या पड़ी थी कि शाम के टाइम में चुपके से रिजल्ट करना ही नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए। 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होता है, जो बच्चे एनटीए का एग्जाम दे रहे थे ना, उनमें से भी 50% बच्चे जो है वो वोटर है, युवा वोटर्स है, उनको भी जानने समझने और देखने का अधिकार है। पता नहीं क्यों इसको जारी कर दिया गया। अच्छा, ये पहले हमने कभी नहीं देखा, एक्सपेक्टेड डेट से हमेशा लेट आता रिजल्ट। चलो, पहले आना सराहना का विषय है, लेकिन इस प्रकार का रिजल्ट आना तो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट में आप भविष्य में जो भी नीट एस्पिरेंट्स होंगे, जो नीट का एग्जाम देना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनको आपका इस पूरे विषय के बाद में क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आप सब सीकर संदेश देखने वाले लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जिंदगी में जब भी किसी एग्जाम को आप फेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपका अपना माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया कि मुझे ये करना है, तो इस बात को कभी भी दिमाग में अपने नहीं रखें कि इस बार कट ऑफ 650 जा रही है, 660 जा रही है, 670 जा रही है, मेरा क्या होगा। आप सोच अगर बैठे हैं पूरी तरीके से, आश्वस्त हैं अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को लेके, अपनी मेहनत को लेके, आपको सिर्फ एक MBBS सीट चाहिए। अभी भी तो उतने ही बच्चे MBBS करेंगे, स्कोर ऊपर जा रहा है, फर्क यह है कि पहले नीचे वाले कर रहे थे, अब ऊपर वाले स्कोर के बच्चे MBBS करेंगे। तो इस बात से कोई असर इस पे नहीं पड़ रहा, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा है कि कट ऑफ ऊपर हो रहा है तो आपके जो हौसले हैं वो टूट जाने चाहिए या फिर आपके अरमान जो है वो हवा हो जाने चाहिए। अगर आपने ठान रखा है तो निश्चित तौर पर आपको आज भी वही करना चाहिए जो कल आप करने के लिए तैयार थे। बहुत धन्यवाद। अब मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि चाहे इलेक्शन के समय वो EVM की बात हो, चाहे वो NTA के द्वारा एग्जाम करवाए जाने की बात हो, भरोसा होना जरूरी है कि आप किसी व्यवस्था में पूरी तरीके से भरोसा करें कि वो क्रेडिबल है, वो जो कर रहा है या जिस तरीके से वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि भरोसा हमें होगा तभी वो चीज़ें बेहतर होंगी। तो अगर आप अपना भरोसा धीरे धीरे इन चीज़ों में लूज कर जाते हैं तो वो एक देश के लिए ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि NTA अपनी गलतियों से सीखेगा और आने वाले समय में कुछ बेहतर निर्णय लिए जाएंगे। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।